ग्रेचुटी भुगतान और महंगाई भत्ते का भुगतान सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए तो महत्वपूर्ण और ताजा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, पहली और बड़ी खबर यहाँ पर कि सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को 48 घंटे में किया जाए ग्रेचुटी का भुगतान। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को 48 घंटे में ग्रेचुटी भुगतान का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर 48 घंटे में भुगतान नहीं होता है तो 18% की ब्याज की दर से आश्रितों को भुगतान करना होगा। यह ब्याज संबंधित अधिकारी के वेतन से वसूल किया जाएगा। तो इस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेचुटी भुगतान के संबंध में ये महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उसके बाद में दूसरी और बड़ी खबर यहाँ पर महंगाई भत्ते के भुगतान से जुड़ी हुई। तो यहाँ पर तत्काल महंगाई भत्ते का किया जाए कर्मचारियों को भुगतान। जी हाँ दोस्तों, वो कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जनवरी 2022 से दे 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ते का तत्काल भुगतान कराने की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष ने अपने पत्र में कहा कि यूपी के राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ते का भुगतान होता है। केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए इस साल जनवरी से 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी है। कर्मचारियों का इसका भुगतान भी हो रहा है, वहीं राज्य कर्मचारी अभी तक इस महंगाई भत्ते से वंचित है। आगे यहां पर कहा गया कि प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। साल में 2 बार महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर मिलता है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिल चुका है, लेकिन राज्य कर्मचारियों को अभी तक इसका भुगतान नहीं मिला है। इसलिए अब यहाँ पर ये मांग उठाई गई है कि तत्काल प्रभाव से कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए, जो कि 3% अतिरिक्त उन्हें मिलने वाला है। तो इसके संबंध में भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।